हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। टुडे डेटेड 6/5/2021, क्लास 9, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सब टॉपिक इज प्लास्टर्स। एज यू नो दैट वी हैव रेड अबाउट द वेरियस टॉपिक्स, वेरियस ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? यूनिट ऑफ लाइफ, जो जिसको कहा यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सेल के जो हमारे पास दो तरह के सेल मैंने आपको बताए थे, हमने पढ़े थे दो तरह के सेल, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। प्लांट सेल के कुछ फीचर हम यहाँ, कुछ ऑर्गेनल्स जो थे वो हमें रह गए थे पढ़ने, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक जो आज हमने लिया है, दैट इज प्लास्टर्स। तो प्लास्टर से पहले मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकांड्रिया के बारे में, हमने पढ़ा था। देखो बच्चों, आपको याद होगा माइटोकांड्रिया में हमने क्या क्या पढ़ा था, कि माइटोकांड्रिया जो है उसे क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस, ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है, जो भी हमारे पास सेल के अंदर जो भी ऑक्सीडेशन की किसी तरह का फूड जो है, जो फूड जो है वो जलने का प्रोसेस जो है, वो जाके किसके अंदर एनर्जी जो है वो कहाँ पे पैदा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ATP। तो ATP जो है इसको हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल की, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसीलिए हम इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का, क्योंकि जो केमिकल एक्टिविटीज जो भी हैं वो जो सेल के लिए नीडेड होती हैं वो रिलीज होती हैं किसके जरिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए, इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो अब आज का जो हमारा है, दैट इज प्लास्टिड्स। आपने देखा होगा जी, मैंने छोटा सा यहाँ एक प्लांट यहाँ बनाया है। तो हमारे, चूंकि हम तो गांव के लोग हैं, माशाल्लाह हमें तो सब पता है, हमारे पास यहाँ जमीन होती है, हम जमीन पे जाते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं। आजकल जो है मतलब मौसम बाहर चल रहा है, तो हमारे आसपास जितने दरख्त हैं ये बिल्कुल हरे भरे हैं, हमारे खेत जो है वो भी हरे भरे हैं। तो हम देखते हैं कि पूरे जो है ये हमें पूरा सब्जा दिखाई देता है, हमारे बाग हैं पूरे सब्ज हैं, हमारे आंगन में जो है सब्जार है, पूरा सब्जा है, तो सब्जा ही सब्जा है। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड क्या है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, इसी में एक डिफरेंस आती है प्लास्टिड्स। प्लास्टर जो है, प्लास्टर जनरली प्लास्टर जो है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टर्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, वायर एज इन एनिमल सेल प्लास्टर्स आर एबसेंट। जनरली हम देखते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टर्स। दो तरह की प्लास्टर्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी? नंबर वन को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और नंबर टू जो है उसको कहते हैं हम लीकोप्लास्टस। क्लोरोप्लास्टस एंड लीकोप्लास्टस, ये दो तरह की हमारे पास जनरली प्लास्टर्स हैं। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रोमोप्लास्ट जो है, पहली क्रोमोप्लास्टस क्या होता है, दीज आर कलर्ड प्लास्टर्स। तो ये प्लास्टर जो है, कलर प्लास्टर जो है, ये असल में ये जो प्लास्टर है ये है क्या, हमें कैसे पता चलेगा भाई ये कलर्ड है, ये मतलब ये कलर के बगैर कलरलेस है, कैसे पता चलेगा? ये जो पौधे हैं, आपने देखा होगा ये पत्ता जो है हमारा, ये वाला जो पत्ता है, ये वाला पत्ते की हम मैंने शेप बनाई हुई है, ये पत्ता जो है, ये जनरली जब हम देखते हैं ये ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? ये ग्रीन कलर का। तो ये ग्रीन कलर कैसे आएगा इसके अंदर, कहां से आता है ये ग्रीन कलर जो है, ये एक पिगमेंट है। क्या है? ये पिगमेंट है।
कौन सा कलर पिगमेंट है ये? ये ग्रीन पिगमेंट है, इसको हम कहेंगे ग्रीन पिगमेंट। ये किसमें होता है? हाली प्लांट्स में। किसमें होता है? प्लांट्स में, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये ग्रीन पिगमेंट जो है ये क्या है? क्लोरोफिल। ये किसके अंदर होता है? प्लांट के अंदर। प्लांट जो है, प्लांट के अंदर ये ग्रीन पिगमेंट जो है, इससे फोटोसिंथेसिस पौधे के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जब लाइट जो है, लाइट एनर्जी जो पौधे पर लाइट पड़ती है, तो ये पौधा अपनी गजा तैयार करता है। किसके जरिए? इस ग्रीन पिगमेंट के जरिए, क्लोरोफिल के जरिए। किसके जरिए? और ये क्लोरोफिल है, ये ग्रीन है, इसलिए हमारा पत्ता जो है, हमारा पौधा जो है, ये ग्रीन हमें दिखाई देता है। तो इसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम पहले पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड की हमारे पास दो किस्म जनरली हमारे पास आता है। एक आता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा आता है लीकोप्लास्ट। जो हमारी पहले क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट जो है, दीज आर कलर्ड प्लास्टर्स। देखो हमारा पौधा जो है, इसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं। जैसे आप देखोगे, हम देखते हैं कि हमारा पौधा जो है, इसमें जब हम फल लेते हैं, जैसे हम टमाटर लाते हैं, उसका रेड कलर होता है। हम देखो, हम जैसे हम आम खाते हैं, तो उसका कलर जो है वो येलो होता है। या हमारे पास हमारी देखो ये मिर्ची है, तो हम रेड ग्रीन चिली जो है, ग्रीन चिली जो है, उसका पहले कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। बाद में जब वो पक जाती है, तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो ये कलर जो है, ये डिफरेंट जो है, ये चेंजेस किस में आते हैं? डिफरेंट कलर जो हो जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये इसके मतलब क्रोमोप्लास्ट के डिफरेंट कलर होते हैं। उसके बाद जो ये लीकोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट एक और प्लास्टिड है, जिसको हम कहेंगे, जिसका जो कौन सा प्लास्टिड है? कलरलेस। ये कलरलेस प्लास्टिड्स है हमारे पौधे जो हैं, हमारा मतलब जो फल है, जो हमारा पौधा जो है, इसमें इसका कोई कलर नहीं होता। सो प्लास्टिड जो है, दे कंटेन, मैंने पहले भी कहा था आपको कि जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारे पास जो कलर है, ये जो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल से ही क्लोरोप्लास्ट बनता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है, ये बहुत सारे येलो या ऑरेंज पिगमेंट जो है, इस क्लोरोफिल के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह की प्लास्टर के हमने देखा, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक लीकोप्लास्ट है। लीकोप्लास्ट कलरलेस होती है, और क्रोमोप्लास्ट जो है, ये कलर्ड होती है। तो इसमें डिफरेंट कलर होते हैं, ये इसमें ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इससे हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। हमारा जो है, इतना काफी है।